स्कूल में अधिकारी गए थे क्या बोलते हैं, बोलते हैं बच्चों को लेकर चेक कराओ। अरे सर हम लोग आए ना भैया, प्लीज चलिए इलाज हम लोग हैं, आप आइए आप बहुत थोड़ा सा एक मिनट चलिए आप लोग हम लोग हैं, हम लोग पर भरोसा रखिए आप लोग ठीक है, आप लोग चलिए 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 आप लोग चलिए प्लीज आप लोग प्लीज चलिए हम लोग हैं, बस निश्चिंत रहिए हम लोग कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे जी। राजेश भाई आप सब बच्चा है ना बैठा हुआ देख रहे हैं सब बच्चे हैं डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सुनिए ना अभी आया है बच्चा, अभी आया अभी आया अभी लाया गया। हाँ हाँ ठीक है बना ली जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम अंदर मौजूद है हॉस्पिटल के, जहाँ पे बच्चों का इलाज हो रहा है, जहाँ सिक्योर रखा गया है पूरी तरह से, और बच्चे यहाँ पे हमारे सामने हैं। अभी ठीक है आप लोग का तबीयत? अभी तबीयत ठीक है? ठीक है सबको ही तबीयत सही है आप लोग का? अभी अभी सही है ना आप लोग? कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को? कोई आप लोग ठीक है ना सबको ही? सबको ठीक है ना आप लोग? सब कोई कोई दिक्कत किसी को नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हो गया हो गया नहीं ठीक है। इस घटना को लेकर के हमारे साथ मझवलिया प्रखंड के बीडीओ साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है और बच्चों का कंडीशन क्या है। सर बताइए। नहीं सिचुएशन ठीक है, तीन बच्चे को रेफर किया गया था जीएमसीएच में, वो भी नॉर्मल है और सही बच्चे जो भी एडमिट 52 बच्चे हैं सभी नॉर्मल है। हम लोग को जैसे भी जानकारी मिली है हम लोग हॉस्पिटल सर कोऑर्डिनेट करके घटनास्थल पर एम्बुलेंस को भेज दिए हैं, और जितने बच्चे खाना खाए थे तो जिनको समस्या थी या नहीं थी सब लोगों को बुला के यहाँ पर मेडिकल चेकअप करा लिया, सभी कुछ नॉर्मल है और सब कुछ। सारी पब्लिक ये बता रही है कि सर का जिस इसमें बहुत अहम योगदान था, और सर ने जब ही फोन आया है सारे ब्लॉक के अधिकारी है कर्मचारी है सबको रोक करके सारे काम को रोक करके सबको यहाँ हॉस्पिटल में बोले हैं कि आप लोग चलिए पहले बच्चों का हालचाल देखा जाए, बच्चों के साथ हम लोग खड़े रहें गार्जियन के साथ खड़े रहें, क्या कहिएगा सर इस पर? नहीं पूरी टीम थी हम लोग की, पूरी ब्लॉक के जितने स्टाफ हैं जितने ऑफिसर्स हैं सभी थे हम लोग, और बच्चे पैनिक थे, कुछ बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशन था बाकी देख के पैनिक डरे हुए थे, तो उस समय ये माहौल था कि उनको काउंसलिंग की जरूरत थी ज़्यादा, तो हम लोग वही कह रहे हैं पूरे स्टाफ पूरी टीम आ गई, एक एक पेरेंट्स के साथ बैठ के हम लोग बात कर रहे थे उनको संबल दे रहे थे, और जनप्रतिनिधि भी लोग को हम अपील किए कुछ स्थानीय मुखिया जी लोग आ गए, तो अच्छा माहौल था और ठीक ठाक से हम लोग उसको रिकवर कर पाए। परसा स्कूल में जो भी बच्चों के साथ जो घटना हुआ है, बहुत बच्चे जो बेहोश हो गए थे खाना खा करके, वो बच्चे अभी सभी डॉक्टरों के मुताबिक सुरक्षित है और खतरे से बाहर है, सभी बच्चे खेल रहे थे, आप सभी को वीडियो में दिखाई देगा। और मैं चाहूंगा बिहार सरकार से नीतीश कुमार से यही चाहूंगा और जिला प्रशासन से यही चाहूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस एनजीओ पे जिस एनजीओ को ये जिम्मेवारी दी गई थी खाना पहुंचाने की। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? उस एनजीओ पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना।